जमें एक माँ छोटी सी रचना सुना रही हूं, बड़े प्रेम से सुनना। जिसने माँ बाप की सेवा की है उस बेटे को समझ में आएगा रचना क्या है। एक माँ जरे एक बेटो और बचपन में उन्होंने पिताजी गुजर गया। अब माँ पेट में गांठा दे दे, बेटा ने पढ़ायो लिखायो, बहुत बड़ो अफसर बनायो, कलेक्टर लेवल की नौकरी लगाई और अच्छा घराना में भी ने पढ़ना दियो, बींदनी भी ला रही, पढ़ी लिखी आ गई। एक समय वो बेटो अपनी माँ ने आपने कने रखे, लेकिन मैंने मेरी नौकरी रो बहुत ज्यादा घमंड भूल गयो। वे दुखरा दिन माँ बड़ी मजूरी कर निनाण पालिया कर आपरा बेटा रे पढ़ायो लिखायो, बहुत बड़ा अफसर बनायो, पढ़ी लिखी भींदनी भी लायो, लारे छोटो पोतो भी उनके नौकरी पोता ने खिलावे। एक दिन बाप भींदनी आपरा पति जी नौकरी आया और बाप भींदनी आपरा पति ने बोले आ नौकरी घर में सूट नहीं वे। This is not suitable in my home in old woman. I am not satisfied in my life in my mother-in-law is out of my home. ये डोकरी मेरे घर में adjust नहीं होती है, प्लीज इस बुढ़िया को यहां से निकालो आप। कौन कहो भींदनी बेटा ने कहो, यार बेटा ने नौकरी को दुनिया भर को घमंड, क्योंकि 70-80-90 हजार रुपया महीने का आवे, ATM घालते हैं रुपया बारे। और वो बेटो भींदनी को कहो कर लियो, करना ही पड़े, क्यों सामरा फाफड़ा फोड़ा पड़े, कर लियो कहो कहो कर। मारा कपड़ा थैला में गालिया और मारो बावड़ियों पकड़ गयो बुढ़िया, और रस्तो सीधो गांव जावे। और बुढ़िया शब्द सुने और मारा आंखिया में आंसू पड़ने लगा, अरे वारे बेटा वा, इतो थने दोरो मोटो करियो मैं, क्योंकि माँ बाप रो फर्ज साहब। बुढ़िया ने पूछो, बुढ़िया ने जगा, बुढ़िया बा ने पूछो माँ बाप रो फर्ज कतो दोरो, उतरे भी कोने। अपने खुदरे चामड़े की जूती करार जब माँ बाप ने पहरावा तो अपनो फर्ज नहीं उतरिया करे माँ बाप से। भाई साहब कैमरा वाले बैठ जाए, नहीं उतरे माँ बाप रो फर्ज। क्योंकि मेरे एक दोस्त है कवि कैलाशदान जी चारण साहब, लिखते हैं कि भगवान की रहते खोटी करे आदमी हता कर अपनी उम्र छोटी करे, भगवान की रहते खोटी करे आदमी हता कर अपनी उम्र छोटी करे, माँ बाप औलाद ने दोरी गणी मोटी करे। घना दिरावे भांकिया, माँ बाप छाती रे चेप दोरा गणा राखिया, पेट माते गुड़ावता छाती माते लुटावता। अरे छोटा छोटा कवा देर माँ बाप अपने दोरा गणा गिटावता। मिन कवे तो माँ बाप री कदर करनी भूल जो मती। अरे माई तारी थोड़े एक दिन आपने जानो है, यार बूढ़ी और पद एक दिन आपने पाणो है, क्योंकि इनका ट्रांसफर होगा अपना प्रमोशन होगा। ये दादा बढ़िया कोई रहा तो अपा ही तो दादा बना, दादो तो अपा नहीं बढ़ना है, दादा दो बटन खोले जगह नहीं कहते के दादो चौपास नहीं फिरे जगो बे तो निवड़े बेगा कर रहा है बे दादा घड़ी दो घड़ी रह जाए वो जीता आंगली आलो करो वे जीते दादो है उतरिया पे कहीं दादा रो कादो निकले। ओ यार ये रियलिटी है। यदि बच्चों में अभी से संस्कार नहीं दिया तो अपारा मामला बहुत टेढ़ा। जगो मारी उम्र का है 25-30-35 के पीछे जगह लटक रिया। माने मारो हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वालों समय में अपारी सेवा कोनी वेली, सीधा वर्धाश्रम। क्योंकि गायरे गौशाला बढ़ियों तेरे बुढ़िया ने तो की बढ़ियो वेला पच रसीदा कटी 5100 रुपया में डोकरी वर्धाश्रम पच उठ अबार जागरण दे रहा ना एक शाम गौ माता के नाम अबार कई जना बोले रात्रा एक टेम रिलापसी गायरे मारी तरफ हूँ बोले दो गुड़ की पेटी मारी तरफ हूँ दो तेलरा पीपा मारी तरफ हूँ। यार जिन टाइम वर्धाश्रम में आपा जावा ना जने लोग आई बड़ा बड़ा भामाशा एक टेमरी खीर मारी तरफ हूँ एक टेमरा मालपुआ मारी तरफ हूँ कीरे डोकरा जीमण है लोग अपारी बोलियां लगाई। यार ये रियलिटी है। घर में ग्रेनाइट लागोड़ो मार्बल लागोड़ो यार जगह नैन का कुरकुरा ना चिंटिया मिंटिया पिंटिया ये अपन पकड़ पकड़ ठीडी टांगड़ो है दादा इज आउट गोइंग भैंस का ओला एक हल्टका में दादो जाए भैंसाड़ा ओला में दूजड़ा में जाए सीधो बकरियाला एवड़ा में यही होना। यदि आपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आशा मत करना कि अपनी अवनाली औलाद जबकि फॉर्चुनर काला काचा में फिरे भी अपनी सेवा करे कांच में ही कोनी। नोट कर लेना यदि पेन और कागज है तो 2050-55 तक ये देख लेना के डिगना को टाबर आर मंच मत कैर गियो सेवा कहन की वह माई तारी साफ पड़िया पड़िया के कीड़ा पड़ी क्यों अपा सेवा को करी तो अपनी सेवा राख पत रखा पत। यदि आप श्रवण है तो अपनी औलाद श्रवण बनेगी, आप यदि रावण है तो औलाद ने आप विभीषण कौन बना सको ये नोट कर लेना साहब। यही तो संस्कारों की बात होती है। बच्चा नहीं कहो प्रणाम करना धोख देना घना टाबरा ने कोने आओ धोख देनो लगभग गा में 500 टाबर वेला एक नहीं खड़ो कर पूछ लो धोख देनो कहो वह आवे ही कोने गोडा तई लीजो लुड़ा है गोडा तई लुड़पुर हाथ लगाए छाती रहे बस वो धोख दे दियो नहीं। कभी संतों के आश्रम में जाके देखो वहां धोख देना क्या होता है दंडवत प्रणाम होता है
हाथ मांडर दंडुत प्रणाम करया करे, नाकरी हणी लगार नीचे जमी माथे, बिने कहवे प्रणाम। जरा आशीर्वाद भी बहुत लंबो मिले। अबे तो छोटो का धोख देवे तो छोटा धोख दे, इतना प्रणाम है तो आशीर्वाद ही छोटो ही मिले। क्यों 35 रुपया में 55 रुपया कौन गाले मोबाइल में? जेड़ो रिचार्ज कराओ जेड़ो टॉपअप मिली। आपने 17 रुपये का रिचार्ज कराया तो टॉपअप 13 रुपये का ही मिलेगा। 100 का कराया तो 83 रुपये मिलेगा, 17 रुपये वो कंपनी वाला काट लेगा। आपने धोख छोटा दिया तो आशीर्वाद भी छोटा ही मिलेगा। आपने इतना नीचा लुड़िया और छाती का हाथ लगायो, दगलो कहे जीव तो रहे, नहीं तो कहीं मर जाइयो। तू कह जने जीव तो रही, क्यों रिचार्ज ही तो ही करियो तेने बैलेंस ही। बाकी बूढ़िया ने पूछो होली दियाली रहा धोख देवने जाता जी ने आप मारवाड़ी में कहवा थलेम गरनो, थलेम गरनो कहवा रामा सामारा कहीं करे थलेम ही करा। जरा बूढ़ी अतो लंबो आशीर्वाद देता, जीव तो रहे, 1000 वर्ष की उम्र वे, घना लक्ष्मी को धनी बन, बूढ़ो डोगरो वे, माता की सेवा कर, बहन बेटी की सेवा कर, साधु संतान की सेवा कर, अतो लंबो आशीर्वाद मिलतो। क्यों कि धोख देनो भी लंबो तो आशीर्वाद भी क्यों। 3 बीघा खेत भाव जो 3000 पूड़ा कौन वे उठे पूड़ा 3 ही वे क्यों नारला गाया खाएगी। ये ही होना साहब। ये चीजा GPS में तो कौन मिले, गूगल में तो कौन मिले, गेल सभा उजी ये चीजा कौन मिले यार। कोई कहे भी कौन जरूरत की ना कहूँ की भजन गाया आरती करी रवाना सा ओम जय जगदीश अरे पया गलो ऊपर जय में जमा घरे। मैं क्यों कहूँ मारो काल जो बड़े, क्योंकि हमारा काम ये कॉमर्शियल नहीं है, हमारा काम सिर्फ सेवा का है। जब तक जियेंगे तब तक सेवा करते ही जियेंगे। और मैं तो भगवान वही काम ना करूँ, भगवान मौत देवे तो मीन का बीच दे ताकि ठा तो पड़े ना कि मीनक दुनिया रे काम आयो, मीनक गौ माता रे काम आयो, मीनक समाज री सेवा करतो धर्म ने बचाव तोड़ो काम आयो। बाकी मरनो तो सब नहीं है, था नहीं जानो माने अमर कोई धरती पर कौन रिया। मारो गाँव आटू 182 किलोमीटर है, मैं आई गो राजी खुशी, पर फाचो जानो मारे भी हाथ में है क्या। इतना जना बैठा हो घरे को इस्टामाद लिखा पढ़ी करायो गई कि ट्रेन से मत ले 4:15 बजे मकान लेर घर आऊं है। कोई लिखा पढ़ी करियोड़ो कोई को नहीं, जागरण में जाऊं है 2-4 घंटा लेट आऊं ताला कोटा दे दीजिए। इतनी लिखा पढ़ी वीडियो करे पाचो जानो हाथ में अपने भी कोने कहीं टाउट धकू बजरियालो डंपर आवे खांचोड़ो ठोकियो पचीड़ तो पाचा मतानिया यार। पीरू वाला अखबार में ते खुद कहो अरे बापड़ो गवणियो आयो तो कार में भड़गो अखबार में। मनवा पतड़ा दूर आडी पड़ी रात, मनवा पतड़ा दूर आडी पड़ी रात, अरे नहीं जाने कहीं होवेला उगते पर बात खबर नहीं एक पल की बातां करा कल की। इसलिए सजनों मेरा कहने का तात्पर्य यह है घणो ही कमायो भगवान घणी लक्ष्मी देवे आपने तो लक्ष्मी ने चौकी जगह लगाओ। मेडिकल माते जाओ 3500 को बिल बने तो 3499 कौन लेवे, पूरा 3500 ले यार हाथे इनाम में वृक्ष की गोली दे सिकोई कौन देवे। ये रियल है, मेडिकल में तो रुपये नहीं छोड़े, हॉस्पिटल में रुपये लागणो जो कतो लागणो है, लेकिन गौ माता रे वास्ते 5 रुपया लागे तो सुनो 33 करोड़ देवताओं आशीर्वाद मिले। यार बी आशीर्वाद आज अपनो व्यापार चले, बी आशीर्वाद अपनो घर चले। तो इसलिए बोलता हूँ दान दे आप, ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि हम नहीं बचाएंगे तो दूसरा कोई बचाने वाला। आज सबसे ज्यादा अपना धर्म खतरे में, एकता नहीं अपने धर्म में, लोग जातिवाद में बन गया, कमेंट करिए गलत गलत अपना धर्म मत है जने सुनो खोंदरा आंसू आवे। यदि एकता देखनी है तो कभी शुक्रवार को मस्जिद के सामने जाके खड़े हो जाना 2 बजे, आंखों की पट्टी खुल जाएगी। एकता उससे बोलते हैं 5 साल को टाबर भी टोपी लगावे और 95 साल में मीनक भी माता माता टोपी लगावे, उनके धर्म में एकता है, उनके धर्म में एकता है, इसलिए वो एक है। अपने कटे सापो फेरा जो खाक में गाले वीर हुए बोझ लागे, क्यों भाटो में हल दिए तारे एक सापर बोझ लागे, अपना टाबरा ने सापो भी सूट कर बींद बनावे सापो माता माते, गाड़ी में बेहूते सापो डिगी में, पाचो बींद ने डेरा में उतारे पाचो सापो माता माते, डेरा में पनीजन जावे सापो माता माते, डेरा में पनीजन पाचो आयो पाचो सापो माचा माते, सामरा हीका देवे पाचो सापो माता माते, गाचो गाड़ी में बैठो आने बींदनी रहने सापो डिगी में, वो सापो गेल सबो वो सापो के थू पनीजे है मन पनावे है, गेल सबो 3 बार 33 बार उतारियो मारा खुदरा फेरा उदेड़ दिया तू। ये हकीकत है, अपनी काड़ी ये है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ ये रियलिटी बात है साहब, ये कहीं नहीं कोई कहने वाला नहीं, किसको गरज है कहने की। हाँ जने ध्यान ही कोने ना कोई घना जना अनभी के बैठा सापे की वैल्यू क्या होती, बहुत बड़ी चीज है। बुढ़िया ने पूछो सापो, सापा ने सुप्रीम कोर्ट आदेश दियोड़ो है कि जिसके सर पर सापा है उसको कभी हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सापो खुद माता की रक्षा करया करे। जना पर सापो कह रहा माता माता, बाकी सापो को या थोड़ी है को RJ19 को निशान है, ये जोधपुर का है नहीं। माता माता बहनों से निवेदन, भाई जी बैठ जाओ, भाई जी बैठ जाओ, 1 घंटा वास्ते जागरण छोड़ में जाओ ना, आरती मने भी करनी आवे लेकिन बैठ जाओ घर सबके। चलो थारे बंगलो तो झोंपड़ी तो मारी वेला, माते डोका ना क्योड़ी, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ माने ध्यान है टाबरा को हो चाहे मारा टाबर कोई बैंक में जमा करे उड़ा अगला के ये टाबर छोटा मोटा कुकरिया धकले ही वेला
थे तो हाथ लाया कुरकुरे थे लिया थे। बैठ जाओ बैठ जाओ दादी साहब बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। जय हो। अब हाथ में मारी कह रही हूं माई माई उठ उठ बीर बीजनो बेटो किन कह। मैं तो माट कुचरू बैठो बैठो। मैं कोई गाजराम निनाण करने थोड़ी आयो जो खुरपी मार करूं ले और दो उमरा लहर भी रही हूं। हाँ मैं बिल्कुल देसी आदमी हूं। हाँ बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की। प्रेम से बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। हाँ ये जे बोलनी मैं थाने पहली कहो धरती माता गौ माता गंगा माता भारत माता जगजननी माँ भवानी माता और जन्म देने वाली माता ये जेवा तो थाने बोलनी बोलनी क्यों मारो। बहुत बड़ो फर्ज है पारा माता बहुत बहुत बड़ो फर्ज है। तो वो बेटो आपनी मारो थैलो लियो और माने धक्को देर घरों बाहर निकाल दे। बा माँ जीवे गेटू बाहर निकली पाची गिरी पाची गिरी। बेटा ने क्यों ने लागी रे लाला थने में दोरो गणो मोटो करियो बेटा। बोले कर दिया होगा निकल जा मारी पत्नी ने तू अटे पसंद नहीं है। ओ हो काले फिर आई जकी ने पसंद कोनी जलम दीवी जकी ने घरू बारे निकाल दियो बारे शेरवा। तो बा माँ गेट मत खड़ी है आंख्या मुँह आंसू पड़े एक मारे आंख्या मुँह आंसू पड़ जावे औलाद रे कारणों तो समझ लो सुनो औलाद का संसार में जीना बेकार है कोई मतलब नहीं है। मेरे पीछे तो मैं तो देखू रेल मुंडा जार पड़ जाओ ताकि लोड तीन छोटे कोनी चीजें जावे हल्डे देती रही मालगाड़ी मुंडा जानो ओले पेवे ऐश प्रेश में किया तो फिकेर देला हटगा ला देला कोनी बोरी में। क्योंकि जो माँ बाप का नहीं वो धरती पर किसी का नहीं। कई लोग किया करे तू कहीं कहे मैं तो मारा बाप को ही नहीं मानू तो बाप को नहीं है वो आपको। क्योंकि जिंदगी में काम एक ही करो लेकिन चौको करो। दान एक जगह ही दो लेकिन पवित्र दान दो। हजार जगह दो आप करोड़ जगह दो लेकिन चौको दान दो। पुण्य री कमाई बटे लुटाओ आप। दोस्त एक ही बनाओ लेकिन शुगरो बनाओ चौको दोस्त बनाओ जोगो दोस्त बनाओ ना जोगा काम का। क्योंकि नाचो का दोस्त हमेशा नाव डूबोया करे। अब कई कह हमारे फेसबुक में तो 5,000 फ्रेंड बैगो ओहो इंस्टाग्राम में 70,000 फॉलोवर्स है। अने पूछे कोई कांकड़ में ठोकिया हो तो इंस्टाग्राम वालों छुटावे भटकाड़ दे टोल में तो लंबो लड़ा कर दे आली कामड़ी उड़िया बैदो फिंचा कर दे लंबी लड़ा पछ फेसबुक में तो फोटो गालो मुझे ठोक रहे हैं नीचे कमेंट आई हुआ गए क्यों था थारा बाप ने रोन गयो तू छुटावे को छुटावे नहीं ए फेसबुक ये सब लाओ लेवणिया मजा लेवणिया यार मुंडो ठोकियो फोटो छाडो नीचे कमेंट आई वेरी नाइस डीपी रोहलियर है मुशाण। कई लोग घमंड करे मारो तो इतर जार वगैरह सा फॉलोअर्स बढ़ गया। अरे फॉलोअर्स बढ़ गया घर में की करियो को करियो ना थारा माँ बाप तो भट्टा में तो भट्टा नेकता फिर तू फॉलोअर्स बढ़ाओ तो फिर वारे रात वगैरह यड़का पैंतरी प्यारी शीशी गंगानगर आ पानी पियोड़ा करियो कहीं तू माँ बाप रे वास्ते। हाँ ये रियल है क्यों मारे तो रोजी ना ऊट बंदा यही धंधा माने साहब रोजी ना नवा करा के मिले कई शीशियाँ लियोड़ा 50 रुपया मारे गाया वहां मैं डबजिया गौशाल ठेके को नहीं 50 रुपया बिठाई को नहीं मैं कटे हुआ ए लंबा लगतरा लियोड़ा मंच मत आयो है 50 रुपया मारा गाया वास जबर जनियो तरह तू जलमेजन थारी माँ थालियाँ बजाई तू जलमेजन अजवाण का लाडू खाया है तू जलमेजन तने हिंडा में लटकायो ले जा कटे खेड़ी माँ टेंक दी तो कटे यालकार मिनकिया तो खाऊती पर करा कहीं उन दिन नमोश करी लेगी को छोका छोका किया पर एडा एडा लोग धरती माँ बैठा तो उन बेटा ने माँ रोती रोती क्यों ना लागी मारी बात कोई ना खारी तो कौन लगे रियल बताना अच्छी लगी है तो ताली बजाना माँ के लिए ठीक है। अब मने तो आज लागे 5 श्रवण भी बढ़ गया तो माँ ओम डिग्रो रामपुरा में आयोड़ो मारो सपड़ो जाए बस 5 श्रवण चाहिए मुझे 5 श्रवण तो बा माँ पाची गिर क्यों ने लागी ए जी अलखा मेरा क्यों बेटा रे ये जी पलका मेरा क्यों लाला अलका मेरा क्यों बेटा ये जी पलका मेरा क्यों लाला अरे दूधड़ लो पिलायो लाला अरे छाती पे सुलायो रे ओ अरे बेटा न्यारो मती हो मेरा अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी ताली के साथ जो माँ से प्रेम करते हैं क्या बात पलका मेरा क्यों लाला दूधड़ लो पिलायो लाला छाती पे सुलायो लाला लादी लदायो रे ओ अरे बेटा न्यारो मती हो मेरा अरे मारा लाला दुख मती देवेरा
करूं बारे निकली। एक बार बा आशा करे कि बेटो मैंने माँ कैर बतलावे, लेकिन बेटो नुगरो, बेटो नुगरो, लुगाई को कहो कर लियो, माँ ने धक्को देर घरों निकाल दी, माँ घरों निकल रही है, बाहर जा रही है, रोती रोती आंखें वहां आंसू पड़ रही है। धिकार है इस बेटे को, धिकार है इसे लाल को, जिसकी वजह से माँ की आंखों में आंसू आ जावे, उस बेटे को फिर धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। सब जो माँ का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। जो माँ बाप सु दगो कर सके वो अपना कड़ी हथोड़ा गोली लगा सके। ऐसे अधिकार से कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि संसार में ऐसा लोग घना दिया करे। स्वामी जी ने कहा है, आंखों में शर्म रखो, जबान को नरम रखो और जेब को हमेशा गर्म रखो। ये चीजा बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आदमी संसार में तीन काम करिया करे, पहलो काम हाथा जोड़ी, दूजो काम माता फोड़ी और तीजो काम भागा दौड़ी। तीन आदमी संसार में डूबिया करे, डूबेला तीन जना, जोर कमती गुस्सा गणा, पैदा कमती खर्चा गणा और कम पूंजी व्यापार गणा, ये डूबेला तीन जना। तीन आदमी डूबिया करे, जेब में 10 रुपया वेर लाखों बिजनेस घर फोड़ा दियो, तो समझो बैंक वाला ऊंधा ताला एन मत लगावे, सील परमिशन बिना खोल दियो जावेला जेल। हाँ, तो बा माँ पाची आई, अरे बापरा बेटा ने क्यों ने लगी, बेटा एक बार मैंने घर में ले ले, बोले नहीं आप निकल, आंखिया आंसू पड़ रही, माँ निकल रही आगे आगे गई, लारे कोई मराज निकले, मारे आंखिया आंसू अनु बाबूजी आवे राम द्वारा, बाबूजी बोले माता जी राम जी राम, राम जी राम गुरुदेव, माता जी ई जेठ का महीना में उड़बाड़ा पगा थेलो ले रही जाओ। बा माँ कहीं की हो, उस माँ के बोल देखिएगा, धन्य उस माँ को, मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूं ऐसी माँ को। बा माँ कहीं की हो कि मारो बेटो मैंने घरू निकाल दी, नहीं। बा माँ बोली महाराज मारो बेटो श्रवण जलमियो, मैंने कहो माँ अबार पोड़ाई रो दिन है, अर्थो जार तीर्थ करिया। ऐसी माँ ने अपनी बेटे की पेट बचाई, बोले आनी क्यों मारे बेटा ने घड़ो पढ़ाई मैंने घरों निकाल दी, बोले बेटो कहे तीर्थ करने जावास्ते जाओ, आंखे आंसू पहुंच लिया। ऐसी माँ छातियाडो भट्टो राख में निकल गयो, मारो बेटो नुगरो जलम गयो। बा माँ पाची आवे और आपरा बेटा ने क्यों ने लागी, बेटा तू जो देवे जो जीम ले, तू जटे सुवाने जटे सो जाओ, लेकिन मैंने घरों बारे मत निकालो। ओ काम कर लूनी बेटा ये जी टाबर रा कुली तारा, काम कर लूली बेटा टाबर रा कुली तारा, नीचे सो लूली बेटा लुकी जी मूली बेटा सुका जी मूली रे। ओ अरे बेटा दुख मती दे मेरा, अरे मारा लाला न्यारो मती हो मेरा। माननी हे लाला खुशियारो आंगन बेटा, दुखरो निवारण बेटा, लाडी लडावण लाला मंगली गावण लाला, ये जी छाती रे छिपावण वो। ओ अरे लाला मानुनी समझावेरा, एक लाइन बोल रहा हूं, यदि अच्छी लगे तो आशीर्वाद दे देना, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेना और जो पास में बैठे उनको आशीर्वाद दे देना। हरी बात को तुम भूलो भले, मां बाप को मत भूलना। यदि आप मां बाप से प्रेम करते हैं तो तालियों से एक बार उनका शुक्रिया अदा कर दे। मां बाप का शुक्रिया, माँ बाप का शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे जन्म दिया है। माँ आप सदैव चिरायु रहे। पिताजी का शुक्रिया अदा करें, पिताजी आपने मेरा भरण पोषण किया है। पतो नहीं कटू कटू पेट ने कांटा दे दे, 5-5 रुपया भेड़ा करिया, आपने मोटियार मिनक बनाया, पढ़ाया पताया लिखाया पढ़ाया, धंधो करायो बिजनेस करायो, आज 1000 बीघा जमीरा धनी आ तो आप माता पिता की बदौलत। तो छोटी सी रचना यदि आपको पसंद आए तो साथ में गाना।
हो पैरे मत दीजो मावड़ली ने दोषी ये कर मारी रेखा न्यारी वो न्यारी रविंद्र सिंह जी वो पीरा मत दीजो मावड़ली ने दोषी कर मोरी रेखा न्यारी वो न्यारी ये पीरा एक ही मायण रे एटा चार जी चारारी करनी न्यारी न्यारी ओ पीरा पेलोड़ो राजा रे दरीबारी तू जोड़ो हीरा रो पार की ओ पीरा जोड़ो पानी आकी आटवो चो थोड़ो तेरे गुण की ओ पीरा मत दीजो मावड़ली ने चामण जाइने दोषवो करमाली रेखा न्यारी भो न्यारी गहूरे बछड़ा चार वो चरारी करनी न्यारी वो न्यारी ओ पीरा पेलोड़ो सूरजीरो सांडी तो जोड़ो शिवरो नांदियो ओ पीरा ती जोड़ो गाड़ी वालो लवो चो थोड़ो बालद ला दियो भाई भाई मत दीजो पीरा नहीं देनो मावड़ नींद दोषो करमाली रेखा न्यारी न्यारी वो बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की प्रेम से बोलिए सभी सजन गौ माता की मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी।